alaikum students myself Adil Ashraf lecture computer science students I am going to teach you class 10th computer science book so it's our lecture number 6 from chapter number 1 problem-solving as you know in our previous lecture I discussed about problem-solving method steps so uh, it's our next step of problem-solving method write the program इन सिंपल वर्ड कोडिंग सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के बाद हम एक्चुअल में उन स्टेप्स को प्रोग्रामिंग की फॉर्म में लेके आते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में लेके आते हैं तो डेफिनेटली लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास प्रोग्राम क्या था कोडिंग एक्चुअल में होती क्या है तो मैं अगर थोड़ा सा सिंपली रिव्यू देता चलूँ आपको के प्रोग्राम क्या होता है प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शनज़ होती हैं हदायत का मजमू होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं स्पेसिफ़िक टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अब स्टूडेंट्स जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आप देते हो किसी को तो डेफ़िनेटली आप किसी लैंग्वेज का सहारा ले रहे होते हो बेसिकली लैंग्वेज आपके पास टूल होता है कम्युनिकेशन का तो डेफिनेटली आप जब प्रोग्राम लिखते हो तो आप कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हो तो आप सिंपल वे में उस टाइम पे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जब आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं अब जिस लैंग्वेज में आप कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखेंगे उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे तो जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो उस प्रोग्राम उस लैंग्वेज के सेंटेक्स को फॉलो किया जाता है तो जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो डेफिनेटली उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेंटेक्स को फॉलो करेंगे अब आ, आ, लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया कि सेंटेक्स आपके पास क्या होता है सेंटैक्स वो चीज़ जो किसी लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स को फुलफ़िल करे उनके रूल्स को फुलफ़िल कर रहे हो तो उसको आप सेंटेक्स बोलते हैं अब स्टूडेंट्स जब आप कोई भी प्रोग्राम लिख चुके हों तो डेफिनेटली इंसान गलती का पुतला हम डिफरेंट मिस्टेक्स कर जाते हैं डिफरेंट एरर्स उसमें हमसे हो जाती हैं तो अब प्रोग्रामिंग में जब आप सेटअप इंस्ट्रक्शन लिखते हो जब आप प्रोग्राम लिखते हो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए तो उसमें अगर आपके पास एरर्स हो जाएं उसमें आपके पास कुछ गलतियां हो जाएं उसमें आपके पास कोई भी इस तरह की मिस्टेक हो जाए तो उसको हम कैसे देखेंगे उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा जब प्रोग्राम लिखते वक्त आपसे कोई मिस्टेक हो जाए कोई एरर हो जाए तो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में उसको हम बग का नाम देते हैं स्टूडेंट्स मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि प्रोग्राम लिखते वक्त आपसे सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन लिखते वक्त आपसे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर हो जाए कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको हम बग का नाम देते हैं बग बी यू जी बग तो स्टूडेंट्स जो सिंपल आपके पास एरर्स होती हैं प्रोग्राम में उसको आप बग बोलते हो तो ये जो हैडिंग मैंने ऐड की हुई है टेस्ट एंड डी बग द प्रोग्राम फॉर एग्जांपल आप प्रोग्राम आपने लिख दिया उसमें आपसे कोई मिस्टेक हो गई है एरर हो गई है तो डेफिनेटली जब कोई भी एरर हो जाएगी आपसे प्रोग्राम में तो आपका वो प्रोग्राम ऐसे रिजल्ट ऐसी आउटपुट को जनरेट नहीं कर रहा होगा जैसे आप चा रहे होंगे तो आप उसको क्या करेंगे टेस्ट करेंगे जब आप टेस्ट करेंगे तो आप फाइंड करेंगे जब हम टेस्ट करते हैं ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को रीड आउट करते हैं तो हम उसको केयरफुली रीड आउट करते हैं केयरफुली देखते हैं कि आपके पास वो जो प्रोग्राम लिखा गया है उसमें किस किस जगह पे आपसे मिस्टेक हुई है तो जब आप उसको टेस्ट कर रहे होते हैं तो आप फाइंड आउट करते हैं कि आपकी किधर मिस्टेक्स हैं किधर उसकी एरर्स हैं तो बाद में आप उस एरर्स को क्या करते हैं रिमूव करने की कोशिश करते हैं एरर को हम बग बोलते हैं जब आप उसको रिमूव करते हैं तो डी बग बोलते हैं तो स्टूडेंट्स देखते हैं दिस स्टेज रिक्वायर्स वैल्यूएशन सॉरी एवेलुएटिंग द प्रोग्राम टू वेरीफाई दैट इट वर्क्स एज डिज़ाय हम इस स्टेज में देखेंगे कि आपका प्रोग्राम उस तरह से वर्क कर रहा है जैसे आप चाह रहे हैं डोंट रिले ऑन जस्ट वन टेस्ट केस अब स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक टेस्ट केस आपने अप्लाई कर लिया उस केस के मुताबिक आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है तो आप उसको समझ बैठेंगे कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं होता समाइम आपका प्रोग्राम एक गिवन कंडीशन पर आपके रिजल्ट थी ठीक दे रहा होता है लेकिन अगर आप उसी टाइम पे कोई दूसरी कंडीशन उस पर अप्लाई करें तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है गलत हो जाता है तो आपको कभी भी उस पे रिले नहीं करना जी स्टूडेंट्स रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ डेटा मेकिंग श्योर दैट इट इज़ वर्क करेक्टली फॉर एवरी सिचुएशन प्रोवाइडेड इन द एलगोरिदम यानी कि एलगोरिदम में जो जो आपने सिचुएशन जो जो स्टेप्स रखे हुए हैं उसके मुताबिक आपके प्रोग्राम को वर्क करना चाहिए आप स्टूडेंट्स अगर वही चीज़ मैंने आपको बताई अगर वो आपके वो रिज़ल्ट जो आपको डिज़ायर हैं जो आपको रिक्वायर हैं वो अगर आपका प्रोग्राम परफॉर्म नहीं कर रहा तो डेफ़िनेटली आपके प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है कोई एरर है तो एरर का दूसरा नाम प्रोग्रामिंग में उसका नाम जो है वो बग कहलाता है बग कहते हैं उसको तो अब ये चीज़ देखिएगा सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको इन uh, फ्यूचर और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं कि बग्स क्या होती हैं एरर्स इन द प्रोग्राम आर आल्सो नोन एज आर नोन एज बग्स डिबगिंग स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा आई एन जी या आई ओ एन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आई एन जी या आई ओ एन जिस टर्म के लास्ट पे आ जाएगा आपने समझ जाना है वो एक प्रोसेस है वो एक प्रोसीजर है वो एक टेक्निक है सो डिबगिंग इज़ द प्रोसेस इन विच वी फाइंड एंड रिमूव द एरर्स इन द प्रोग्राम अब बहुत सारे स्टूडेंट्स डिबगिंग की जब डेफिनेशन लिख रहे होते हैं तो वो लिख देते हैं इट इज़ द प्रोसेस इन विच वई रिमूव एरर्स स्टूडेंट्स ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है आपके नंबर एग्जामिनर काट सकता है आपने प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है डिबगिंग इज़ द प्रोसेस इन विच वई फाइंड एंड रिमूव द एरर्स इन द प्रोग्राम सबसे पहले आप डिबगिंग प्रोसेस में एरर्स को मिस्टेक्स को फाइंड करते हो उसके बाद आप उसकी रिमूविंग uh, प्रोसीजर uh, की तरफ uh, जाते हो देन वो डिबगिंग प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहा होता है तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है जी स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में जो हमसे बग्स बग्स आती हैं जो एरर्स आती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं और उनको किस किस तरह से रिमूव किया जा सकता है बेसिकली तीन तरह की एरर्स तीन तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास तीन तरह की बग्स आ सकती हैं किसी भी प्रोग्राम में सेंटेक्स एरर रन टाइम एरर एंड लास्ट वन लॉजिकल एरर बेसिकली तीन तरह की एरर्स किसी भी प्रोग्राम में आ सकती हैं सेंटेक्स एरर आ सकती है आपसे उसमें रन टाइम एरर आ सकती है आपसे या लॉजिकल टाइप का एरर आपके प्रोग्राम में आ सकता है जी तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सेंटेक्स एरर क्या होता है जी तो जैसा थोड़ा रिवाइज करें हम अपना प्रीवियस लेक्चर उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेंटेक्स क्या होता है किसी भी लैंग्वेज में जो चीज़ लिखी जाती है वो उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करके लिखी जाती है उसके ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करके लिखी जाती है और उसी चीज़ को हम उस चीज़ का सेंटेक्स बोलते हैं अब जो फार्मेट जो लेआउट जो स्ट्रक्चर किसी चीज़ को लिखने का दिया गया किसी लैंग्वेज में आप उसी तरह से उसको लिखेंगे अगर आप उसके किसी एक स्टेप को भी वायोलेट करेंगे किसी एक रूल को भी वायोलेट करेंगे तो वो आपका सेंटेक्स क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल आपने सुना हुआ है आप बखूबी जानते हैं कि अगर आपको वर्ड एक लिखना है अली तो आपको पता है जो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स है वो ए एल आई है अगर आप ए सॉरी ए एल आई अली है अगर आप ए आई एल लिखेंगे तो ये अली नहीं कहलाएगा ये आपने सेंटेक्स में मिस्टेक कर दी तो इसी तरह से अगर कोई आप प्रॉब्लम इस तरह का देखते हो कि जिस तरह से वो चीज़ जिस तरह से वो मैथडोलोजी जिस तरह से वो टेक्निक दी हुई है जिस तरह से उसको लिखना है अगर उस तरह से आप नहीं अप्लाई करते उस तरह से आप नहीं लिखते उसको तो वो जो एरर आपके प्रोग्राम में आएगा वो आपका सेंटेक्स एरर होगा जी अब स्टूडेंट्स जो भी हम चीज़ लिखते हैं उसको हमने ट्रांसलेट करना होता है तो उसको हम कंपाइल बोलते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेटर्स कौन से होते हैं और किस तरह से उस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं अभी फ़िलहाल आप इतना ही देखें कि कंपाइल क्या होता है कंपाइल बेसिकली ट्रांसलेट करना होता है एक फार्मेट से किसी दूसरे फार्मेट में एक लैंग्वेज से किसी दूसरी लैंग्वेज में दीज एरर्स आर डिटेक्टेड अब ये जो एरर्स हैं आपके सामने जो सेंटेक्स एरर है ये डिटेक्ट कब होती है ये कंपाइल टाइम में डिटेक्ट होती है आप इसको फाइंड करते हो वैन द कंपाइलर आर इंटरप्रेटर एटेम्प टू ट्रांसलेट जी स्टूडेंट्स जब आपके सामने जो आपके ट्रांसलेटर्स हैं जब वो इसको ट्रांसलेट करने जा रहे होते हैं यानी कि कंपाइलर का काम भी है वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है चीज़ों को इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट करता है लेकिन दोनों की मैथोडोलॉजी डिफरेंट होती है दोनों का फॉर्म में डिफरेंट होता है कंपाइलर एज अ होल ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है अब जब वो इसको ट्रांसलेट करने जा रहा होता है तो उस टाइम पे वो इस एरर को पकड़ता है उस एरर को फाइंड करता है उस एरर को डिबगिंग प्रोसेस में लेके आता है यानी कि आपको वो बता रहा होता है इंडिकेट कर रहा होता है कि देर इज़ एन सेंटेक्स एरर इन योर प्रोग्राम सो स्टूडेंट्स ये था आपके पास सिंटेक्स क्या होता है और सिंटेक्स एरर क्या होती है जी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स हैं कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कमांड है प्रिंट की पी आर आई एन टी अब देखिएगा प्रिंट कमांड आउटपुट के लिए यूज़ होती है कोई भी चीज़ डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है अगर आप उसको सिंपल पी आई एन टी लिख देते हैं तो वो आपका प्रॉपर वर्ड प्रिंट नहीं रहेगा कीवर्ड नहीं रहेगा तो वो सेंटेक्स एरर है अगर आप इस सीक्वेंस को पी आर आई एन टी ये जो डिफरेंट लेटर करैक्टर्स का कम्बिनेशन है इस सीक्वेंस को भी आप चेंज कर दें पी जो है वो लास्ट पे ले हैं अब आपने लेटर्स की सीक्वेंस चेंज की तो वो कीवर्ड चेंज हो गया तो डेफ़िनेटली ये भी आपके पास सेंटेक्स एरर है अब देखें कि हमेशा जब आप किसी वेरिएबल को को वैल्यू अलॉट करते हैं को वैल्यू असाइन करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपका वेरिएबल होता है राइट right साइड पे आपकी वो वैल्यू होती है जो आप उस वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हैं तो अगर आप उसको उल्ट लिख दें कि आप लेफ़्ट साइड पर कॉन्सटेंट वैल्यू लिख दें और राइट साइड पर आप वेरिएबल का नेम लिख दें तो ये भी आपके पास सेंटेक्स एरर है जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सेंटेक्स एरर को रिमूव किस तरह से किया जाता है सेंटैक्स एरर को इस तरह से रिमूव किया जाता है कि आप उसको ऑब्जर्व करें कंपाइलर ये काम कर रहा होता है केयरफुली आपको इंडिकेट करता है आप अपने प्रोग्राम को देखें जिधर आपने ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया उस लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो सेंटैक्स लिखने के रूल्स हैं उनको आपने फॉलो नहीं किया तो वो आप मिस्टेक्स को फाइंड करें और उनको करेक्ट करें उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो किसी तरह का सेंटेक्स एरर नहीं आएगा अगर आपने अपनी सेंटेक्स एरर को करेक्ट कर लिया होगा जी स्टूडेंट्स देन आपके पास जो सेकंड एरर आपके प्रोग्राम में आ सकता है वो है रन टाइम एरर अब आप देखें रन टाइम क्या होता है अब स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चीज़ को जान रहे होते हैं कि रन टाइम क्या होता है वो टाइम जब कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है उस टाइम पे आपका जो भी एरर कंप्यूटर में आ जाए वो आपका रन टाइम एरर है यानी कि आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है नॉर्मल वे में आपका कंप्यूटर फ़ौर से उसको स्टॉप कर देता है किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो वो एरर आपका रन टाइम कहलाएगा मैं अक्सर सिंपल uh, सी जर्नल एग्जांपल देता होता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपका भाई आपकी सिस्टर क्या करते हैं आपके कंप्यूटर को आप वो जो प्लग इन आपने किया हुआ है उसको प्लग आउट कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर शट uh, डाउन हो गया ऑफ हो गया तो उस टाइम पे जो एरर है वो रन टाइम एरर है सिंपल यहाँ आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं किसी ने कोई पत्थर उठाया आपके कंप्यूटर को मारा तो आपका कंप्यूटर नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो कर रहा था वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई तो वो भी आपके पास रन एरर है ये तो सॉरी रन टाइम एरर है ये तो था जो आप देखिएगा कि आपके पास एक्चुअल में जो रन टाइम एरर है वो किस तरह से होती है फॉर एग्जांपल आप कोई नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और एक इस तरह से इंस्ट्रक्शन आती है कि किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो अनडिफाइंड हो जाते हैं तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है टाइम तो ये सारी आपके पास क्या है रन टाइम एरर है जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है लॉजिकल एरर्स स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं बेसिकली ऐसी एरर प्रोग्राम में जो प्रोग्राम के लॉजिक में हम कर दें जब हम प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप कर रहे हो तो उसके लॉजिक को हम गलत कर दें तो उस तरह की जो एरर्स हैं वो लॉजिकल एरर हैं जी अब आपका जो कंपाइलर है वो लॉजिकल एरर्स को सॉरी <coughs> स्टूडेंट्स आपका जो कंपाइलर है वो लॉजिकल एरर्स को ना तो डिटेक्ट कर पाता है क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट कर पाए हमारा कंपाइलर और उसके बाद डेफिनेटली जब वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो हमें रिपोर्ट किस तरह से करेगा कि आपके प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं फॉर एग्जांपल आपने मैथ में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए एटसट्रा एट्सट्रा अब ये आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आप इसमें क्या करते हो आप जिधर फोर ए सी है या टू ए की जगह आप कोई चीज़ मिस कर देते हो फोर ए कर देते हो या प्लस की जगह माइनस कर देते हो अब आपने लॉजिक में एरर कर दिया यानी कि अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहो तो आपके पास कोई ना कोई रिज़ल्ट आ जाएंगे लेकिन वो करेक्ट रिज़ल्ट नहीं होंगे जैसा फार्मूला डिफ़ाइंड है वैसा आपने उसको नहीं रखा आपने उसमें थोड़ी सी गलती कर दी चेंजिंग्स कर दी अब आपके पास रिज़ल्ट आ रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता चल रहा कि वो रिज़ल्ट क्यों गलत आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपने उसके लॉजिक में उसके फार्मूला में कोई ना कोई एरर कर दिया तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं वो आपकी लॉजिकल एरर्स होती हैं अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये रेज होता है कि लॉजिकल एरर्स को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं अगर आपके प्रोग्राम में कोई इस तरह से एरर आ रही हैं यानी कि आपके रिजल्ट्स करेक्ट नहीं आ रहे और आप देख रहे हो कि आपके प्रोग्राम में ना तो कोई रन टाइम एरर आ रहा है और ना ही आपके प्रोग्राम में कोई सेंटेक्स एरर है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि हमारे प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है तो आप डायरेक्ट उस प्रोग्राम के लॉजिकल पार्ट पे जाओ लॉजिकल सेक्शन पे जाओ जिधर आपने उस प्रोग्राम की लॉजिक डिवेलप की हुई है लॉजिक का पोर्शन है उस पर जाओ यानी कि आप कह सकते हैं जो फार्मूले का पोर्शन होता है जिधर एग्जैक्ट फार्मूला आपने लगाया हुआ है उस पोर्शन पे जाओ और आप देखो उसको केयरफुली ऑब्ज़र्व करो कि किस जगह पे आपने मिस्टेक किया उस चीज़ को आपने थारोली ऑब्जर्व करना है थारोली टेस्ट करना है ठीक है और उसके बाद आप उस जान पाएंगे कि आपने जिधर एरर किया है उसको रिमूव करो देन आप उसको कंपाइल करो तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट आपको रिजल्ट्स देगा जी तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि कर आपको चीज़ों की समझ आई होगी स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन लगती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं इन मैं रिस्पॉन्ड करूँगा आपको जल्दी विद करेक्ट आंसर्स थैंक यू वेरी मच अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़